अस्सलाम वालेकुम केम छो सत श्री अकाल केरो हाल कैसे का नमस्ते केम ओना छो एंड वेलकम टू बिग बॉस ओडीडी का रिव्यू विथ मी आमिर अंसारी। क्या हो रहा है मेरा भाई, करण जौहर के कल के बयान के बाद एंड कल के संडे के वार के बाद घर वालों में ज्यादा खुशी दिखाई नहीं दे रही। स्पेशली जीशान ने ये सारी चीजें अपने दिल पर ले ली है। देखिए गाइस, करण जौहर को यहाँ पे ये एहसास करना बहुत जरूरी है कि जितने लोगों को वो सो कॉल्ड टारगेट कर रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, जनता भी कह रहे हैं, दिव्या एंड जीशान दे आर यंगस्टर्स, उन्होंने अपना करियर इंडस्ट्री में स्टार्ट भी नहीं किया है। एंड करण जौहर जैसी शख्सियत जब उनको पीछे बिठा देती है पूरे एपिसोड में, उनको बोलने का मौका नहीं देती, एंड जब वो बोलते हैं तो उनको कहते हैं कि डार्लिंग आई हैव सम स्टेटस, डोंट रेज योर वॉइस इन फ्रंट ऑफ मी, देन गाइस जो इम्पैक्ट उन पर पड़ता है, स्पेशली दिव्या पे जो इम्पैक्ट पड़ा पिछला हफ्ता, वो दो तीन दिन अकेले बैठी थी एंड करण जौहर का उनको चिल्लाना ये बाकी लोगों को उनसे दूर भी कर देता है। दे फील अगर हम इनसे बात करेंगे तो करण जौहर हमको इनडायरेक्टली हेट करने लगेगा, ये सारी की सारी चीजें उनको सेक्लूड कर देती है। आज हमने देखा किस तरह से ये प्रेशर जो है वो जीशान नहीं ले पाया। नौजवान लड़का है, सोशल मीडिया एंड ये सब प्रेशर जो है ये नौजवानों के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। आज का माहौल इतना नेगेटिव है कि हर आदमी को ये प्रेशर फेस करना ही पड़ता है कभी ना कभी, स्पेशली इफ यू आर अ सोशल मीडिया स्टार। एंड गाइस यहां पे आपने देखा किस तरह से यू नो जीशान जो है वो चोक किया रात को, ही गॉट अ पैनिक अटैक, ही वाज लिटरली फीलिंग लाइक वॉमिटिंग एंड बिग बॉस ने उनको मेडिकल रूम में बुलाया। तो गाइस आज क्या हुआ कल के भाषण का, उसके बारे में हम डिस्कस करें। किस तरह से हाय मेरी परम 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 सुंदरी, यानी के द हॉट द सिजलिंग हिना खान इस घर में आकर वापस से उन्होंने इस घर के रौनक में चार चांद लगा दिए। सब मर्द मिसोजिनिस्ट है ऐसा जीशान ने कहा, एंड कहा कि वो एक ही बात को पकड़ के करण जौहर पूरा 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 घसीट रहते हैं। गाबा ने कहा कि करण जौहर ने सब औरतों को तो पूछा वो वाक्य के बारे में, यू नो कि अपने दायरे में रहो, लेकिन क्या उन्होंने किसी मर्द को पूछा, क्यों उन्होंने कल किसी मर्द को नहीं पूछा। निशान कहता है कितना समझाया कल जीशांत को, अब तक नहीं समझता क्या ये, हाँ करण जौहर का जजमेंट फाइनल होता है। नहीं मेरा भाई, करण जौहर का जजमेंट फाइनल नहीं होता, जो जनता बाहर देख रही है उनका जजमेंट फाइनल होता है। निशान कहता है करण जौहर सिर्फ एक ही मुद्दा पकड़ के रखा था एंड अपने आप को तो फेमिनिस्ट साबित कर दिया करण जौहर ने, एंड मुझको मिसोजिनिस्ट साबित कर दिया विदाउट लेटिंग मी गिव एन एक्सप्लेनेशन एंड लेटिंग मी स्पीक। अब गाइस तुम भी ने निशांत यहाँ पर अपना जो झगड़ा है उसको एक हग करके सुलझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड गाइस यहाँ पर परम सुंदरी गाने पर हिना खान की एंट्री होती है, राखी का अवसर था। हिना खान पूछती है किसने किसको राखी बांधी, सब लोग ने कहा कि नहीं हम लोगों ने राखी नहीं बांधी। अब गाइस यहाँ पर रक्षाबंधन का त्यौहार था तो सभी भाइयों ने एंड बहनों ने अपने सिबलिंग्स के लिए मैसेजेस दिए। सबसे पहले गाइस पल्लवी आई, मिलिंद गाबा की बहन, उन्होंने उनके लिए मैसेज दिया। केशव जो है अक्षरा सिंह का जो भाई है उसने उसके लिए मैसेज दिया। मूज जटाना की मम्मी, उसकी मम्मी कोई एंगल से लग नहीं रहती, शी इज अ फिरंग, शी इज लुकिंग वेरी क्यूट, बहुत ही यंग लग रही थी, उन्होंने उसके यू नो मूज के लिए मैसेज दिया। एंड फिर आए यहाँ पर सुपर से भी बहुत ऊपर डुंग, जो डांस शो में आती है शिल्पा शेट्टी, जो आजकल फिलहाल बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज में, सी हाउ शिल्पा शेट्टी बॉट हरसेल्फ आउट ऑफ द कॉन्ट्रोवर्सी एंड सो मच गोइंग ऑन विथ हर इन हर लाइफ, शी इज कम आउट स्ट्रांग। वो डांस शो भी आके होस्ट कर रही है, जज कर रही है, यहाँ पर भी बिग बॉस में आके उन्होंने एक अपीयरेंस दिया। उन्होंने कहा कि शिल्पा शेट्टी कहती है कि शमिता तुम्हारा कोई भाई नहीं लेकिन बिग ब्रदर एंड बिग बॉस हमारी जिंदगी में आते रहते हैं, एंड अपना ख्याल रखना, लॉट्स ऑफ लव, वी आर रूटिंग फॉर यू, लव यू बेबी, ये मैसेज उन्होंने शमिता शेट्टी के लिए दिया। अब गाइस नेहा का जो भाई है वो मैसेज देता है, दिव्या का भाई उनके लिए मैसेज देता है, दिव्या का भाई थोड़ा गोलू था। प्रतीक की सिस्टर प्रेरणा, भाई गजब एकदम, शी वॉज लुकिंग वेरी गॉर्जियस, प्रिटी इज द वर्ड व्हाट शी वॉज लुकिंग। राकेश की मम्मी आई, शी लुक्ड वेरी लेवल हेडेड। हाँ जीशान का फ्रेंड आया, एंड मुझे नहीं पता था कि जीशान का एक जेड स्क्वाड करके भी है, एंड निशान का कितने जेड स्क्वाड से अपने वीडियो को देखते हैं, हैशटैग करके नीचे बताना मेरे को। निशान का दोस्त पुनीत पाठक वो आया था यहाँ पर, सब लोग रोते हैं। अब गाइस टारगेट रहता है, टारगेट कौन, आपको एक सर्कल है उसमें आपको टारगेट सेलेक्ट करना है, एंड वी ऑल आर मिसिंग ये दिल आशिकाना, वो बेचारा चला गया, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, लेकिन फिर भी वी हैव तोम्बन, कल से शुरू हो रहा है यार, आज से शुरू हो गया हमारा शो, कौन बनेगा करोड़पति, हाय वहां भी हम यहाँ भी हम, हाय चलिए वो भी देख लीजिए, ये भी देख लीजिए,
और फ्रेंड्स यहाँ पर टारगेट को आपको मुंह पे स्प्रे लगाना है एंड आपको बताना है कि ये क्यों आपका टारगेट है या नहीं। ओके गाइस, तो सबसे पहले यहाँ पे दिव्या आती है। दिव्या नेहा का नाम चुनती है। वो कहती है कि मैं तो इसकी शक्ल ही नहीं पसंद करती हूँ, ये मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगती है एंड मैं चाहती हूँ इस शो से चले जाए। पूरा मुंह उसका नेहा बसीन का फोम से भर देती है। जीशान आता है। जीशान कहता है प्रतीक, क्योंकि वो मुझे ये ना जरा पसंद नहीं है, ये वो मेरा कॉम्पिटिशन है। एंड प्रतीक कहता है जीशान तू तो बैगन एक नंबर का। प्रतीक कहता है जीशान तू हमेशा मेरे बारे में क्यों बात करते रहता है, क्या तुझे मैन क्रश है क्या मेरे पर? हाँ, नेहा बसीन आती है। दिव्या वो कहती है कि हम इसे बात करने का मन ही नहीं करता। आई विश शी गेट्स आउट ऑफ द शो, आई डोंट टॉक टू नॉन इक्वल पीपल एंड शी इज बदतमीज। दिव्या कहती है अरे बाबा, नेहा का स्टेटस लगता है बहुत ज्यादा ही हाई है। नेहा कहती है ओ भाई, दिव्या के सामने तो हमारा कोई स्टेटस ही नहीं है। दिव्या जो करण जोहर को अपने सामने कुछ नहीं समझती, हम तो पानी कम चाय है। तो यहाँ पर दिव्या ने नेहा का नाम रखा है नेहा वॉश बेसन, जिसमें वो मुंह धोते हैं। तो नेहा बसीन बिकम्स नेहा बेसन। एंड फिर आते हैं यहाँ पर मिलिंद गावा, जो निशान का नाम लेते हैं। तुम्बिन आके निशान का नाम लेता है, काफी ज्यादा बोर करता है। निशान कहता है ये 6 हफ्ते का शो मेरे और तुम्बिन की 15 साल की दोस्ती को नहीं तोड़ सकता। हिना बुलाती है शमिता। हिना तो क्या मुंह बना रही थी भाई, अल्टीमेट बंदी है वो, एक्सप्रेशन क्वीन है, सच्ची बोल रहा हूँ। शी लुक्स वेरी प्रिटी। हाँ, रॉकी की गर्लफ्रेंड है वो। अब उनका पर्सनल मैटर है भाई, हम कुछ नहीं बोल सकते। हाई, अब गाइस यहाँ पर शमिता आती है। एंड शमिता जब आती है, शमिता कहती है मैं दिव्या पे लगाऊंगी क्योंकि उन्हें मुझे बहुत हर्ट किया। निशान आता है, शमिता का नाम लेता है, कहता है हमेशा उसका एक प्री जजमेंट रहता है मेरे पे, ज्यादा स्प्रे लगाता नहीं, टच करके चले आता है। मूस जटाना काफी स्ट्रांग हेडेड लग रही थी शमिता का लगाती हुई, कल के धक्का मुक्की जो हुई उसके कारणवश शमिता शुड नॉट बी इन द हाउस एंड व्हाई द हेल इज शमिता शेट्टी गेटिंग अ सेकंड चांस। प्रतीक सहजपाल भी शमिता का नाम लेता है। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है मैडम शमिता कि लोगों से अच्छे से बात करो, उनको गाली नहीं दो। लेकिन शमिता मैडम खुद यहाँ पर कल उन्होंने गाली दी और ऐसी ऐसी गालियां दी हिंदी में, अंग्रेजी में। शी बीट द शिट आउट ऑफ एवरीबॉडी। प्रतीक कहता है शमिता हैज बीन पेड मोर सो दे शुड बी शोन मोर। तो वो ज्यादा दिख तो रहे नहीं है, तो हमारे कारणवश उन लोग भी थोड़ा दिख जाते हैं। अब अगला टास्क रहता है फट्टू कौन, यहाँ पे प्रतीक खड़ा रहेगा या फिर जीशान खड़ा रहेगा। आपको कंटेस्टेंट्स को आना है, क्रॉस मारना है, बताना है कि वो फट्टू क्यों है। समझ में आया? नेहा कहता है, नेहा कहती है, सॉरी बाजरे दा सुट्टा कहती को कह दिया तूने कहता। वेल फ्रेंड्स यहाँ पर नेहा कहती है कि जीशान जो है वो एक नंबर का फट्टू है। यहाँ पर जीशान जो है वो अपना खुद का डिसीजन नहीं लेता। शमिता आती है, शमिता भी जीशान के ऊपर लगाती है क्योंकि उन्होंने जीशान ने कल अपना डिसीजन नहीं लिया, ही डिडंट स्पीक अप। राकेश भी जीशान का नाम लेता है। मूस आती है, कहती है और प्रतीक तू फट्टू हैगा, तू मेरे से इंटरमीडिएट हैगा। अपनी इंग्लिश में बोल के निकल जाती है। अक्षर आती है, कहती हम स्वतंत्र हैं, अपना नाम लेंगे जिनका वजूद नहीं। और जीशान पे लगाती है, दिव्या प्रतीक पे लगाती है, निशांत जीशान पे लगाता है, मिलिंद भी प्रतीक पे लगाता है। जीशान प्रतीक के बीच में फाइट होती है कौन ज्यादा फुटेज ले रहा है। एंड नेहा जो है, नेहा हिना, हिना कहती है आप दोनों के बीच में टाई है, आप दोनों बराबरी के फट्टू हो। हिना खान कहती है स्पाइस दिस अप, स्पाइस द शो अप। एंड गाइस वहां पर नेहा अपना नाइट टॉर्चर शुरू करती है प्रतीक के साथ एंड हिना खान चली जाती है। अब गाइस यहां पे ध्यान से सुनिएगा, निशांत राकेश से कहता है देख बेटा ये गेम है, इसको गेम की तरह ले। तुम लोग को लगता है कि निशांत एंड राकेश बाहर से स्ट्रेटेजी बना के आए कि अपन तो दोस्त है, अपन एक दूसरे से भिड़ेंगे तो लोगों को एक काफी इंटरेस्टिंग एंगल मिल जाएगा यहाँ पे कि देखो 15 साल की दोस्ती थी, भिड़ रहे हैं। मुझे तो कभी कभी अंदर से ये लगता है कि तुम भी इनको वो करने के लिए निशांत को और उसको पेलने के लिए बोल दिया गया है, बल्कि अंदर से दोनों दोस्त है। क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन मुझे बताइएगा। राकेश कहता है मूस ग्लास वॉश करो, मूस कहती है यू नॉट कैप्चन। अब गाइस नेहा जो है वापस टॉर्चर शुरू करती है। रात का वक्त होता है, गाबा जीशान के पास टॉर्चर करने चली जाती है। प्रतीक कहता है करण जोहर ने सेम चीज अक्षरा को भी कही, सेम चीज जीशान को भी कही। जीशान कहता है करण ने मुझे अकेला बिठा के रखा, मुझे बात करने का मौका तक नहीं दिया उसने। हाँ, सब लोग कहते हैं अरे तो करण ने अक्षरा को भी बात करने का मौका नहीं दिया। तुम्बिन कहता है अभी तुम्बिन है ना, मेरे को थोड़ा साइको टाइप लगता है, नॉट इन अ वेरी बैड सेंस, वी जस्ट किडिंग, ओके। थोड़ा साइकोटिक ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि वो कोरियन पिक्चर में कैसे विलन रहते हैं पूरी पिक्चर में, खाखों खाखों और एंड में खाखों खाखों,
एकदम सडनली लोग पागल हो जाते हैं ना, वैसा मुझे तुम्बिन लगता है यहाँ पर। तुम्बिन क्या बोलता है पता है? तुम्बिन कहता है, तुमको क्या पता, नेहा भसीन है ना, आस्ते आस्ते प्रतीक सहजपाल के प्यार में पड़ रही है। हाँ, शमिता बोलती है, ओ डार्लिंग तुम्बिन, आर यू मैड, शी इज हैप्पी, शी इज मैरिड। तुम्बिन कहता है, अच्छा शादी हो गई है, तो आई थिंक प्रतीक इज नेहाज आई कैंडी। यानी कि तुम्बिन को कैसे भी अपना टाका शमिता के साथ भिड़ाना है, एंड इसी चक्कर में वो नेहा के कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है। नेहा एंड मिलिंद गावा, आई डोंट सी दम सर्वाइविंग एज अ जोड़ी, बहुत आगे ना, अगले हफ्ते लग रहा है मिलिंद गावा का विकेट गिरने वाला है। मिलिंद गावा शो में जरा भी दिख नहीं रहा है बेचारा। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली मिलिंद गावा का टिकट कटेगा, एंड रावल इलेक्शन हुआ तो बाजवे का सुट्टा भी चली जाएगी। गावा कहता है कि नेहा यू डोंट हैव द बॉल्स टू लिसन, नेहा सेज यू डोंट हैव द बॉल्स टू टॉक। दोनों फाइट करते हैं, नेहा बोलती है, मन करता है बजर दबा, मेरे चंगुल से भाग जा, क्विट कर दे, समझ में आ गया। अब गाइज यहाँ पर मूज जो है वो कहती है कि केजो यानी करण जोहर जो है वो हर वीकेंड पे आकर सिर्फ और सिर्फ शमिता को बोलता है आप बोलिए, नेहा भसीन आप बोलिए। देखो गाइज ये तो मूज को भी लग रहा है, जस्ट इमेजिन एज जनता हम लोग बाहर बैठ रहे हैं तो हमको भी वही लग रहा है पूरे वीकेंड का। शमिता बोलते हैं, कल कितने कमेंट्स आए मुझे कि प्रतीक सहजपाल जिसने इतना अच्छा परफॉर्म किया पूरा हफ्ते, उसको बात ही नहीं करने दिया करण जोहर ने। चलो दिल आशिकाना को बात करने नहीं दिया क्योंकि वो दिखा नहीं, लेकिन प्रतीक सहजपाल को बात करने के लिए नहीं दिया। हाँ, एंड मूस कहती है ऐसा है तो हमको शमिता एंड नेहा को टारगेट करना चाहिए। निशान को खराब सपना आता है, वो उठता है बेचारा खांसता है, उसको चेस्ट पेन होता है, एंड निशांत यहाँ पर क्या कहता है, ओ लुक एट दिस इज कर्मा, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, आदमी बीमार हो रहा है, उसको बैड ड्रीम आ रहा है, साले मरने की हालत में आ गया तो बोलता है कर्मा, ये सब फालतू गिरी है। हाँ, बिग बॉस कहता है निशान को मेडिकल रूम में लाइए, ढाई बज चुके हैं, इन लोग को नींद नहीं है क्योंकि खाना मिल रहा है ना, एप्पल मिल रहा है, दूध मिल रहा है, भर भर के खाना, ग्लूटेन फ्री है। मैं खाना बंद करो, मैं अपने बहुत सीजन से बोलता आ रहा हूँ, खाना बंद करो, थकेंगे, टास्क कराओ, तब जाके रात को नींद आएगी, वरना ये लोग ऐसे जागते रहेंगे। अब गाइस यहाँ पर नेहा एंड शमिता को टॉर्चर करने को मिलता नहीं, आपस में ये लोग बातचीत करते हैं, एंड तुम्बिन बीच में फुल मुंह पे तेल लगा के पता नहीं क्या करने के लिए बैठ के दोनों की बातें सुन रहा है। ओके, सो आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, सॉरी आज शाम को नहीं देख पाया, थोड़ा व्यस्त था इसलिए रात को रिव्यू दे रहा हूँ। आशा करता है एपिसोड पसंद आया होगा, एपिसोड पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्रिप्शन मीन्स अ लॉट क्योंकि उसी से पता चलता है आपको बिग बॉस के रिव्यूज पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सब्सक्राइब किया तो नोटिफिकेशन बटन भी दबाइए, ओके, बिग बॉस के रिव्यूज देखने के लिए। अनफॉर्चुनेटली ये दिल आशिकाना एंड एमेरी कॉलेज की लड़कियों आउट हो चुका है, लेकिन उनकी यादें जैसे नचवली की यादें हैं वो हमारे चैनल पर जरूर रहेगी। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, गुड नाइट।